दोस्तों आज कवर करेंगे भारत के प्रमुख पर्व त्यौहार और मेले। 15 से ज़्यादा ये पर्व त्यौहार और मेले देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सारे के सारे, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का एग्ज़ाम ओरिएंटेड और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों प्रश्न है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। दोस्तों अपना राइट ऑप्शन चूज करें, हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 3 सेकंड आपको मिलेंगे, उसको और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऑप्शन बी झारखंड। देखिए दोस्तों सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से, बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, सी ऑप्शन असम और डी पश्चिम बंगाल। तो लगाइए अपना राइट ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन बी बिहार और झारखंड। देखिए दोस्तों कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? बिहार और झारखंड। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो लगाइए अपना राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी केरल। देखिए दोस्तों ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो वो है केरल का। चलिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखते हुए चलेंगे दोस्तों, मेरे साथ याद करते हुए चलो। और दोस्तों जो भाई नए आए हैं उनको मैं बता देता हूं कि हम इसी तरह का वीडियो बनाते हैं दोस्तों, एक ही टॉपिक पर सारे क्वेश्चन एक साथ कराए जाते हैं, रोज ये वीडियो आ रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार आए तो। नेक्स्ट देखते हैं, पढ़ो वही जो एग्जाम के लिए हो भाई, सही। नेक्स्ट देखते हैं, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी असम, डी कर्नाटक। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन बी तमिलनाडु। देखिए दोस्तों पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो वो है तमिलनाडु का। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन ए पंजाब, बी बिहार, सी झारखंड, डी असम। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन चूज करें, 3 सेकंड आपको मिलते हैं, ऑप्शन डी असम। देखिए दोस्तों भोगाली बिहू, बिहू से याद रखें दोस्तों, ये एग्जाम में वर्ड आता है, तो बिहू दोस्तों किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? असम का है। ठीक है दोस्तों ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन असम, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन चूज करें, ऑप्शन ए असम, रंगोली बिहू। देखिए दोस्तों रंगोली बिहू असम का है, मैंने बताया बिहू से आप ध्यान रखें दोस्तों, ये दोनों आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिहू से अगर ध्यान रखोगे तो दोनों ही हो जाएंगे असम के त्यौहार। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, वैसाखी किस राज्य में मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन ए पंजाब, बिहार, असम, ओडिशा। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन ए पंजाब। देखिए दोस्तों वैसाखी कहां पर मनाया जाता है? बहुत ज्यादा प्रमुख त्यौहार है दोस्तों पंजाब का। ठीक है ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, वैसाखी कहां का त्यौहार हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? गुड़ी, ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान। ऑप्शन बी महाराष्ट्र। देखिए दोस्तों गुड़ी पर्व है ना, वो महाराष्ट्र राज्य के अंदर मनाया जाता है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, याद करते हुए चले मेरे साथ। और दोस्तों तब भी आपको एक बार याद रहे तो दोबारा से एक बार वीडियो देख लीजिए, बिल्कुल सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों पर्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, विशु पर्व भारत में अधिकतर कहां मनाया जाता है? ऑप्शन केरल, असम, गुजरात, तमिलनाडु। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए, 3 सेकंड है, ऑप्शन ए केरल में। देखिए दोस्तों विशु पर्व कहां पर मनाया जाता है? अधिकतर केरल के अंदर मनाया जाता है दोस्तों, थोड़ा सा कर्नाटक का क्षेत्र आता है, तमिलनाडु का यहां पर भी मनाया जाता है, लेकिन दोस्तों अधिकतर कहां पर मनाया जाता है? केरल। आंसर आप लगा के आओगे एग्जाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, केरल, असम, बिहार। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन ए कर्नाटक। देखिए दोस्तों उगादि पर्व है ना, वो कर्नाटक राज्य के अंदर मनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, युगादि नववर्ष पर्व है? ऑप्शन ए नेपालियों का, बी भूटानियों का, सी गुजरातियों का, डी दक्षिण भारतीयों का। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन सी गुजरातियों का। देखिए दोस्तों युगादि नववर्ष पर्व है ना, वो किसका है? गुजरातियों का है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट इंपोर्टेंट, लोसांग उत्सव मनाया जाता है, ऑप्शन है तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, केरल में। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए, 3 सेकंड है। ऑप्शन सी सिक्किम में। देखिए दोस्तों लोसांग उत्सव मनाया जाता है कहां पर, सिक्किम के अंदर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थाई पुसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, ऑप्शन ए तमिल, बी तेलुगु, सी मराठी, डी मलयाल। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए, 3 सेकंड है। ऑप्शन ए तमिल। देखिए दोस्तों थाई पुसम त्यौहार किस किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रथ यात्रा उत्सव कहां मनाया जाता है, ऑप्शन ए पुरी में, हरिद्वार में, द्वारिका में, कोणार्क में। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन ए पुरी में। देखिए दोस्तों रथ यात्रा उत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो वो है पुरी में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नौरोज त्यौहार किससे संबंधित है, ऑप्शन ए सिख, हिंदू, पारसी, मुस्लिम। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन सी पारसी। देखिए दोस्तों नौरोज त्यौहार किसका है, ये पारसियों का है, ये ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे प्रमुख त्यौहार जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए हैं। हम इसी तरह का वीडियो बनाते हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक ही टॉपिक पर सारे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं वीडियो में, ताकि आपको तरह तरह की वीडियो देखनी ना पड़े। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।